हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं एक अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ हैंड ब्लेंडर जो मैं ख़रीद के ले आई हूँ। ये बॉस का है, 400 वॉट का है और ये मॉडल है क्लेवर मिक्स। तो इसको मैं बॉक्स से आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या इसमें है। तो इसमें है एक ये मिलेगा हमें हैंड ब्लेंडर ये जो है, और उसके साथ में ये मिलेगा। आप ये चटनी वटनी बना सकते हैं ना, मिक्सी जार निकालो करो पीसो, तो ये आप बहुत इजी होता है। और इसके साथ एक शेकर है, इसमें आप शेक कुछ भी आप अलग से आपको ग्लास की यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसका भी साथ में एक ग्लास दिया, लीड भी दिया, आप इसमें बना करके आप पी भी सकते हैं। और इसका ये देखिए इसके साथ क्या क्या है, ये हैंड ब्लेंडर है और ये अटैच कर सकते हैं। ये देखिए ब्लेड है, इस ब्लेड को निकाल करके आप यूज़ करने के बाद धो सकते हैं आराम से। ये डिशवाशर में भी आप धो सकते हैं इसको। और इसके साथ ये जो जार है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, और इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, ये है 3700 का, पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप अगर वहाँ जाएँगे तो शॉपकीपर से बात करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला है। तो इसे ओपन करके मैं दिखाती हूँ। बहुत ही दिनों से मुझे मन था कि ये एक हैंड ब्लेंडर ख़रीद के लाऊं। अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो शेक वेक बनाना है आपको, बटर मिल्क बनाना है तो बहुत इजी होता है। और गर्मी में चटनी वटनी ज़्यादा खाने का मन करता है, तो आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं। आपको सिर्फ हैंड ब्लेंडर भी मिलेगा, ये मैंने सब सेट लिया है। ये बुक मिला है जिसमें आप अंदर देख सकते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या है इसमें। ये है ये इसका ब्लेड है और इसके ऊपर का पार्ट। हाँ, हैवी है क्योंकि मोटर है। ये देखिए यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बॉस का अप्लायंस बहुत ही अच्छे होते हैं। मेरे पास काफ़ी बॉस के अप्लायंस है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो मैं आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें अटैच करते हैं इसको। चलिए आगे पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको अटैच करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। लेड तो बॉक्स को मैं साइड में रखती हूँ। जार भी काफी बड़ा है, ऐसा नहीं कि छोटा जार है। इसमें काफ़ी हद तक बहुत बड़ा है। इसमें आप चॉपिंग वॉपिंग भी कर सकते हैं, पकौड़े वकौड़े बनाने ना, तो प्याज व्याज प्याज के पकौड़े या मिक्स वेजिटेबल पकौड़े, तो इसमें आप अच्छे से क्रश कर सकते हैं, चॉपिंग का भी काम कर सकते हैं। और ये देखिए ये शेक बनाने के लिए, मिल्क शेक, मैंगो शेक, बनाना शेक, बटर मिल्क, लस्सी, काफ़ी अच्छा है। एक बार में आप दो ग्लास से तीन ग्लास बन जाएगा। आई थिंक 700 ml आइए तो दो ग्लास तो आराम से बन जाएगा। चलिए ये सारा कुछ इसके साथ में है, तो इसको अब यूज़ कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो इसको अटैच कैसे करते हैं तो ये मैं बताती हूँ आपको। ये यहाँ पे एक बटन है और इसके जस्ट पीछे भी एक बटन है, तो दोनों हाथ से आप ऐसे पकड़ें और इसको प्रेस करें तो ये लग गया। ये देखिए, और इसको निकालने के लिए भी ठीक ऐसे ही करना है, इसको प्रेस करें और खींच दें, से निकल गया। और इसमें कैसे यूज़ करना है ये जार में, तो इस जार के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसमें ब्लेड दिया हुआ है।
ये ब्लेड है, और मैं इसको नीचे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तीन ऐसे रबर दिए हुए हैं ताकि आप ये सरफेस पे ऐसे ये चिपक जाए, हिले डुलेंगे नहीं। और उसके बाद ये ढक्कन इसमें ऐसे लगा दें, ठीक। इसको फिर ऐसे ही ये बटन प्रेस करके इसमें, ये देखिए ये सेट हो गया। तो बहुत ही इजी हो जाएगा ये काम, और निकालने के लिए भी फिर इसको घुमा के निकाल लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका रिव्यू दूंगी कि कैसा है ये यूज़ करने पे।